गाइस देखो समोसा पार्टी चल रही शाम के टाइम। देखो सारे लोग बैठे हुए, देखो समोसा की पार्टी चल रही शाम के टाइम, चाय के साथ समोसे। ओके गाइस बाय, अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं अपने रूम के लिए, बाय सब लोग। अबे कहाँ चला गया कैमरा, बाय। गाइस फाइनली यहाँ से निकल चुका हूँ मैं, आपसे बात करता हूँ फिर रूम पे पहुँच के। ठीक है गाइस, तो गाइस पहुँच चुका हूँ अभी रूम पे, अभी आपसे बात करता हूँ चाय पीने के बाद में। देखो मेरे रूम पे ना हर सर्दियों में ऐसी हाल होती है कि इतनी ठंड लगती है यहाँ पे कि पूछो नहीं। अभी भी चारों साइड से पैक है ये, फिर भी यहाँ ठंड है, बहुत ठंड है। पापा जी कैसे लगे हैं, बद्दी लेके फिर भी ठंड है, हालत टाइट है ठंड। अभी मैं जाता हूँ चाय बनाने, एक ब्लैक टी पीता हूँ और एक चाय तो मैं पी चुका हूँ, एक और पीने जा रहा हूँ। सो गाइस आ चुका हूँ मैं ब्लैक टी बनाने के लिए, इसमें तो दूध वाली चाय है पहले की, जो कि मेरे को पीनी नहीं है अभी, अभी मेरे को ब्लैक टी पीनी है। तो ये मैंने रख दिया पतीला और अभी इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल के फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी मैंने इसमें हर चीज़ डाल तो दिया है, लाइट टी के लिए हल्की चाय पत्ती डालनी पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, और बाकी शुगर तो जितना आप लोग लेते हैं उतना रख सकते हैं हम लोग। अभी टी रेडी होने के बाद बात करता हूँ लोगों से। ये देखो गाइस पापा जी सुबह से लेके शाम तक टीवी देखते रहते हैं, देखो कभी कौन से सीरियल कभी कौन से सीरियल, दिन में सो जाते हैं खाना वाना खा के, शाम को मैं इन्हें वॉक कराने के लिए ले जाता हूँ, पर आजकल सर्दी बड़ी है तो रात भी जल्दी हो रही है, उस वजह से पापा जी को लेके नहीं जाता। तो अभी देखो पापा जी को कैसे लेटे हुए कंबल लेके पूरा, चलो आज पापा जी से बात कराता हूँ आपकी। ठीक है ये है पापा जी, पापा जी ठंडी लग रही है, हाँ लग रही है ना, क्योंकि देखो ये भी दिया हुआ है, टोपी भी पहनी हुई है और ये कंबल पीछे से ये भी सारा चीज़ रखा हुआ है, ठंड लग रही तभी लिया हुआ है ना, है ना, पर मेरे को भी लग रही है, पर मैं चाय बनाने के लिए उठाऊँ मेरे को भी तो बहुत ठंडी लग रही है। गाइस जी मेरे पापा जी बहुत हमारा पहले से केयर करके रखा है, इसीलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि पापा जी की केयर हम करें तो लगे। ठीक है पापा जी। सो गाइस मेरी टी अभी चाय मेरी खोलनी शुरू हो गई है, मैं आपको आज एक फनी चीज़ दिखाता हूँ अपने घर की, जो मेरी भाभी ने आज ही इसका निरीक्षण किया है शायद, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस इसके अंदर से गिलास रख दिया है, हालांकि ये सब सही है पर उन गिलास में स्पून रख दिए सारे के। ऐसा माइंड और ऐसा दिमाग एक औरत ही लगा सकती है कि कैसे चीज़ को बचाया जा सकता है, वाह वाह भाभी वाह। सो गाइस आई थिंक चाय बन चुकी है मेरी, उबल ही रही है अभी भी, जब तक झाग हो तब तक चाय बनती रहती है शायद ना, है ना। हेलो अभी बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया उनको, मैंने फन कर दिया ना अभी, उनकी हंसने लग रही है अभी। सो गाइस अभी मैं बन चुकी चाय, अब इसको रखता हूँ कप में और टाइम पीते हैं, एक कप दे दो। या दूसरी सनी डाल सो, हाँ इतने बहुत है। तो ये होगी मेरी चाय तैयार, अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। और डैडी चाय पीनी है ब्लैक टी, हाँ पापा जी को भी चाय पीनी है, डेबी चाय लाता हूँ एक कप और दो भाभी।
गाइस फाइनली पापा जी भी चाय पी रहे हैं, अब मैं भी चाय पीता हूँ। सो गाइस आज मेरा बहुत लंबा ब्लॉग बन चुका है क्योंकि हमने बहुत सारे शूट किए आज। जैसा कि आपको पता है हम लोग घूमने भी गए थे गार्डन में, वहाँ का भी शूट किया प्रदीप कृष्णा ने, तो वो सारी वीडियोस को शाम को आज अपलोड करूँगा। आई थिंक लंबी बन जाएगी, 9 से 8-10 मिनट की बनी जाएगी आज, तो आप लोग देखना उसको। और तब तक मैं भी चाय पीता हूँ, पापा जी को चाय पी रहे गाइस। और आज का डिनर हो चुका रेडी, चलते खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस ये रहा डिनर, आज सब्जी में है आलू, शिमला मिर्च, तरी वाली सब्जी आज ये, जिस दिन एक दिन बहुत 2-3 दिन पहले आई थिंक खाई थी वो सूखी थी, ये आज तरी वाली बनाने को ले के लिए बोले मैंने भाभी को, तो तरी वाली बनाई है, तो चलो खाते हैं। हे गाइस अभी लंच कह रहा हूँ, रात का खाना डिनर यानी कि हो गया है, और अभी जो आज के पूरे दिन का जो शूट किया है अभी वो एडिटिंग करता हूँ और फिर जाता हूँ सोने के लिए। आप लोगों से मेरी यही वो है, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, कमेंट्स करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो किसी ब्लॉग को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, गुड नाइट।